हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबीओ जेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि जैसा कि ISSCGD ने अभी जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है टोटल वैकेंसीज़ को लेकर, यहां पर आपकी एज क्या रहने वाली है साथियों, इसके अंदर छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, वैकेंसीज जो वो इंक्रीज हो सकती या नहीं, और जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस का दिया है ना, वो उन साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, आप सभी के लिए अब भी मौका है, ठीक है। और आपके लिए एक वीडियो के अंदर खास बात है, प्लीज़ आप वीडियो के अंदर पेशेंस के साथ में बने रहिए। चलिए पॉइंट द पॉइंट हम बात कर लेते हैं साथियों, एज के अंदर आपको छूट मिलेगी या नहीं। देखिए, अभी तक एज का क्या मामला है, एज के अंदर आप सभी को बताया कि 18 से 23 साल की उम्र आपकी अभी रखी गई है, ठीक है। SSC का नोटिफिकेशन जो वो करीब एक साल से लेकर यहाँ पर 1.5 साल तक के पहले आना था, और इसके अंदर क्या होगा साथियों, पोस्टपोन्ड होते होते आपका जो वो अभी भी इन्होंने 18 से 23 साल जो है उम्र आपकी की हुई है, ठीक है। अभी अगर SSC को देना होता ना, देखिए एज के अंदर अभी अगर SSC को देना होता छूट, तो आपका जो ये न्यू नोटिफिकेशन आया ना, इसके अंदर आपको पता चल जाता आपकी जो एज है वो एक यहाँ पर छूट देनी थी या नहीं देनी थी। अभी होगा क्या, अभी साथियों देखिए यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है, देखिए सच्चाई के साथ में आपको जो फेस करना ही पड़ेगा सब कुछ, अभी तक एज के अंदर छूट देने की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाया जाए तो SSC कुछ सोच सकता है, अदरवाइज उनको अगर खुद से देना होता ना एज के अंदर छूट, तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाता, क्योंकि ये चीज़ तो SSC को खुद को भी तो पता है कि यहाँ पर जो आपकी भर्ती है वो यहाँ पर करीब करीब एक साल पहले आने की चाहिए थी, उसके बाद में जो भी कैंडिडेट्स आए हैं वो ओवरेज हुए हैं, तो उनको एक साल की छूट तो कम से कम यहाँ पर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रीजन्स दो बनते हैं, एक तो ये कि SSC अगर आगे से फिर कोई वैकेंसी निकालती है तो उसको जो पहले एज का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आज यहाँ पर 18 से 24 साल दे दी जाए या फिर 25 साल कर दी जाए, तो फिर आगे भी स्टूडेंट्स की डिमांड यही होगी कि 18 से 25 साल आप करो या फिर 18 से 24 साल करो। लेकिन साथियों अभी जो देनी चाहिए थी ना, वो दो रीजन से यहाँ पर थे, एक तो कोविड आपका रीज़न था यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर वैसे वैकेंसीज के अंदर यहाँ पर कमी होती जा रही थी, दूसरा आपका रीज़न ये था कि वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन अब वो करीब एक साल पहले आना चाहिए था, तो दो यहाँ पर रीज़न थे यहाँ पर SSC को जिसके अंदर छूट देनी चाहिए थे। लेकिन साथियों अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, हाँ अगर कोशिश की जाए स्टूडेंट्स के साथ में तो यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाकर यहाँ पर SSC के द्वारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है, एक साल का तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तो आप सभी अगर कोशिश करते हो तो आपको मिल जाएगी, 100% हम आपके साथ में हैं आप सभी के लिए। दूसरी पॉइंट के ऊपर बात कर लेता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन साथियों इसके अंदर नॉर्मल ही है, 10th पास यहाँ पर चाहिए, ठीक है, 10th आपको सिर्फ पास मार्किंग चाहिए, यहाँ पर जो आपके मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करते कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए या फिर डिवीजन वगैरह, ठीक है, तो नॉर्मल आपको 10th पास करनी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज, यहाँ पर पता है आप सभी को कि 25,000 पहले से वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं, यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होकर साथियों यहाँ पर 40,000 के समथिंग जाने वाली हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम से कम पहले तो क्या था कि 90,000 85,000 ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी कि इतनी वैकेंसीज निकलेगी, लेकिन साथियों SSC का ये रूल है, यहाँ पर जो पहले वैकेंसीज निकलती हैं इंक्रीज होती हैं, ठीक है, होती होती हैं, और वैसे भी यहाँ पर चर्चा में थी अगर जो आने वाली थी ना वैकेंसीज, उस हिसाब से भी अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो आपकी हो सकती कि 40-45 हज़ार आपकी वैकेंसीज हो सकती हैं, लेकिन श्योर ऐसा कोई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं है। लेकिन वैकेंसीज में आप सभी को पता है कि वैकेंसीज जो वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली थी इससे कहीं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 25,000 वैकेंसीज आई ना साथियों, देखने वाले के लिए, पॉजिटिव रहने वाले साथियों के लिए, या फिर सीरियसली जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं के लिए 25,000 भी वैकेंसी थोड़ी नहीं होती है। आप सभी को क्या करना है, अभी आपको अदर पॉइंट के ऊपर यानी कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इन सब चीजों को छोड़कर आपको जितनी वैकेंसीज आई हैं उनके अंदर प्लीज सबर कीजिए, उनके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बढ़ती है तो आपके लिए अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप 25,000 के लिए तो तैयार हैं, आप अपनी युद्ध की रणनीति इसी हिसाब से बनाएं, ओके। अब आपके लिए खास क्या है इस वीडियो के अंदर वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए साथियों अभी आई है वैकेंसीज न्यू, ठीक है, न्यू वैकेंसीज आई हैं, न्यू सिलेबस के आधार के ऊपर आपको चाहिए, फिर आपके साथ में आपको फ्री कंटेंट चाहिए कि आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़े और आपकी तैयारी भी साथ साथ में जुड़ी रहे। मैं आप सभी के लिए दो कोशिश कर सकता हूं साथियों, अगर आप कहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना, साथ में आप अपनी एज भी यहां पर कमेंट करके पूछना, आप उसी हिसाब से फिर मैं बताऊँगा आपको कि आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं। लेकिन साथियों आपके लिए खास बात तो ये है कि एक तो स्टैटिक जीके, देखिए आज के दिन जो स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके और करंट जीके ने यहाँ पर बवाल मचा के छोड़ रखा है, तो एक तो स्टैटिक जीके मैं आपको करवाऊंगा, दूसरा आपको जो वो रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, रीजनिंग के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा SSC के अंदर, दूसरा स्टैटिक जीके के अंदर इतना ट्रिक के साथ में इतना मजेदार तरीके से आपको समझा के जाऊंगा, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे ना उसी तरीके से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट, हमें इसके अंदर साइंस भी आ जाएगी आपकी, जीके के मेन पॉइंट भी आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके हम एक एक पॉइंट यहाँ पर, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट के अंदर से आपको कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो निकाल के लाना, जैसे साइंस होते हैं, साइंस के तीनों पार्ट,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जीके के हैं आपके दोनों तीनों पार्ट, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी है, सभी की मैं ट्रिक वाइज आपको ऐसी तरीके से समझाऊंगा, यानी कि ट्रिक तो क्या है वो इस तरीके से आपके सामने रखी जाएगी कि आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे तो ये कंप्लीट याद हो चुके हैं वीडियो को देखते ही। साथ में रीजनिंग इतनी अच्छी तरीके से मैं समझा के जाऊंगा, आपकी अंगुलियों पर याद होगी साथियों। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो के दौरान आपको प्रैक्टिस से साथ में आना है। और आप सभी साथियों को, आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। देखिए तैयारी है न्यू तरीके से, आज से ही स्टार्ट करोगे ना तो आप धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, फतेह कर जाओगे। 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे इस सिस्टम को। आप सभी को पता है कि पहले आपका एग्जाम होना है, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होना है, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आएगा। तो आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कि सर हमारी क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं आपको फ्री कंटेंट दूंगा, आपसे एक ही पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सभी को क्या करना है, सिर्फ तैयारी साथ में करनी है। देखिए साथियों, तैयारी जिस हिसाब से करोगे, जिस भी तरीके से आप करोगे ना, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। आपके सामने पहली क्लास ही रखी जाएंगी, आप जो वो यहाँ पर बता देना कि सर हमें इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको उसी तरीके से क्लास मिल जाएगी। आप सभी जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस का जिन्होंने भी दिया था, जो रह गए थे फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया था, जिनका फिजिकल अभी क्वालिफाई हो चुका है, और साथियों साथ में ये भी कहूँगा कि जिनका फिजिकल अभी तक हुआ ही नहीं है, वो तीनों ही टाइप यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो सुन लेना इस चीज़ को भाई अच्छे तरीके से। दिल्ली पुलिस के बाद में सेकंड मौका आपके सामने सेम टू सेम सिलेबस, हूबहू सिलेबस दिल्ली पुलिस का है, और यहाँ पर एसएससी की आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। जिन भी साथियों ने यहाँ पर तैयारी छोड़ दी थी, प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, आपके लिए जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। बहुत कम होता है कि आपकी तैयारी की हुई और उसके बाद में भी आपके सेम सिलेबस के ऊपर कोई नई वैकेंसीज आ जाए, वो भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो यहाँ पर 4,000 समथिंग थी, लेकिन यहाँ पर एसएससी की वैकेंसी जो 25,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। आप सभी साथी जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, जब वो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ फाइट कर सकते हैं ना, तो वो एसएससी की कट ऑफ भी फाइट कर सकते हैं भाई। आप सभी जो वो क्या करना है, आप सभी को जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, जो फिजिकल में नहीं आए थे या फिर जो फिजिकल कर चुके हैं उनको भी यहां पर ऐसे नहीं सोचना है कि हमने तो फिजिकल कर दिया सभी कुछ हो गया। आप सभी को तैयारी में लग जाना है, दूसरा मौका जो वो हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि यहां पर आप सभी को क्या करना है, एक एक पॉइंट यहां पर वैकेंसी तैयार उतरें, वैसे भी देखें जाए ना तो बहुत कम आती हैं। और आप सभी जो अगर एक एक मौका ऐसे एक वैकेंसी के ऊपर भरोसे बैठ कर या फिर दूसरे को छोड़ दोगे तो आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता की बात यही होगी। आज सभी के लिए मौका है, दिल्ली पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट तो वो ध्यान से सुन लेना इस बात को, जिनको भी तैयारी की थी, जिन्होंने भी यहाँ पर फिजिकल दिया हुआ, प्लीज़ अपने तैयारी को वो कंटिन्यू रखें, तैयारी नहीं छोड़नी है। साथ में मैंने आपको बता दिया, आपको एक तो स्टैटिक जीके की यहाँ पर क्लास मिल जाएगी, अगर आप कहोगे तो फ्री में मिल जाएगी। आप बाकी आप कोर्सेज लेते हो, आपको परचेज चाहिए तो बाहर आप कहीं और से ले सकते हो। देखिए मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा आप सभी के लिए। आप सभी ये कहोगे कि हाँ सर आपने हमारे लिए मेहनत की है, आप सभी को वैसा ही कंटेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग की आपको क्लास मिल सकती है, मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको साथ में इतने अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ में समझाऊंगा। आप सभी भी ये कहोगे कि सर हमारे एक ही बार में आ गई है, और देखिए नई तैयारी स्टार्ट की तो नए हिसाब से है, नए टीचर से, और अच्छी तरीके से तैयारी स्टार्ट कीजिए, मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। आप सभी के लिए आज के वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आप सभी को क्या करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएससी जीडी के बारे में या फिर किसी के बारे में भी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ पर वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।